तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, अमन एंड बुली के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज आ गए हैं भाई ताज होटल, ताज विवांता। मजाक कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे हम किसी को पिकअप करने वाले हैं और आज के शो में क्या होने वाला है दोस्तों, ये तो इतना बड़ा कट्टा देख रहे हो ना, 20 केजीज का। तो आज हम जैसे ही आज का पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि करने क्या वाले हैं। पहले बुल्ली करेगा सूसू वूसू और अपना फुल लोड हल्का कर लेगा और उसके बाद हम चलने लगे हैं भाई आगरा। आगरा में आज है एक डॉग शो, डॉग शो को बुल्ली और मैं अटेंड करेंगे। साथ में हमारे एक सर भी होंगे मेरे ऑफिस में थे, मेरे सीनियर, और वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं भाई कितना ही मजा आने वाला है। ये क्या तरीका है भाई, बुल्ली बुल्लू भाग के आई, भाग के यार तू ही जितना ही मजा आ रहा है सुबह सुबह की बढ़िया धूप निकली हुई है और अच्छा टेम्परेचर, वेदर बिल्कुल फर्स्ट एंड क्लास है। और भाई मैं और बुल्ली चल पड़े हैं दोबारा से मस्तियों में अपनी। आजा बुल्ली जल्दी आजा, भाग के आजा बुल्ली। ए मस्ती 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 मस्ती। ये बड़े हमारे सर जी, और अभी देखते हैं बुल्ली पहली बार मिलेगा तो रिएक्शन देखते हैं कि क्या रहता है। आ जाओ सर, आ जाओ, गुड मॉर्निंग। हेलो बुल्ली। बुल्ली से पहली इंटरेक्शन होगी ना आपकी, तो बाहर से नहीं आप सीधा अंदर आओ। ये लो भाई, आ जाओ, गुड बॉय, दिस इज द राइट टेक्निक एंड तरीका। बहुत बढ़िया, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अरे बैठ गए भाई, बुल्लू बहुत मजा आता है देखो। जितने लोग ज्यादा होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है इसको। यस बुल्ली, ये डॉग के अंदर खासियत देखी है भाई मैंने, थोड़ा देखा है कि कैट को दोस्ती होगी थी सारे वो जो बैठे हो देख। ओ बढ़िया, वेट कर रहे थे। ले भाई नजारे ले दो आज बाहर के। तो आओ यारो ज्वाइन कर लो अमन और बुल्ली के इस वाले वीडियो को और फटाफट से चलते हैं अब हम आगरा। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. पप्पी मत कर, पप्पी मत कर बुल्लू। बुल्लू ने पप्पी कर दी भाई, गाड़ी चलाने दे। अरे पप्पी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ बता रहे हैं। So fight and die for the things you know you from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. अब केले की खुशबू जाएगी पीछे और देखना नाक लहराता हुआ कैसे आएगा थोड़ी देर में। ये आया केले का शिकारी, पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो दोस्तों दूसरा स्टॉप ले लिया है, पहले वाले में तो सुसु हुआ था, दोबारा से बुल्ली बाहर निकालेंगे और पियेंगे हम यहाँ पे चाय या फिर कॉफी। आओ चलो देखते हैं और बुल्ली का जरा पीपल यार लोगों का रिएक्शन भी तो देखते हैं कि बुल्ली को देख के कैसे क्या लगता है। चलो भाई बुल्ली। बाहर लोग बैठ सकते हो अंदर। ये लिखा हुआ
अनमोल सर हमारे चले गए अंदर, कुछ खाना पीना लेने और फट तरफ उन्हीं को ढूंढ रहा है। ये मैंने खासियत देखी है इस बुल्ली के अंदर ना, कि अगर हमारे साथ जो भी आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे पूरी, और अब हम निकलते हैं और फटाफट लेके आते हैं बुल्ली का भी खाना और यहाँ के जो स्ट्रीटीज है उनको भी खाना देते हैं। क्या वो बंदर बैठा है, क्या हालत रखी है इसकी बेचारी, आ बेटा खाना खा ले। खाना और उसको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे को खाने लगा और पूंछ देके पिला रहा है। यार ऐसा ही करना चाहता था मैं, जो कि हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी ना कि आप जितना शेयर करते जाओगे मैं स्ट्रीट डॉग्स को उतना खाना खिलाता जाऊंगा। बीट वो नहीं भी करते, वो तो एक चलो गिमिक था, लेकिन वो तो हमें वैसे भी करना ही है। एक आपके शेयर की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत इसलिए थी ताकि ये चीज़ ये इमोशन आप स्प्रेड करो दूसरे लोगों के साथ भी। मेरे को तो करना ही करना है, मैं तो करूँगा भी, चाहे वो रील डले ना डले, मैं सोशल मीडिया पर आऊँ या ना आऊँ, लेकिन ये काम तो होना ही होना है। बट ये अगर सोशल मीडिया को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो और बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स और ऐसे डॉग्स की और एनिमल्स की हेल्प हो सकती है। चालू करिए, ऐसे देखो कितना मस्त डॉग है, क्या बढ़िया तरीके से है। ले आजा, खा ले, मैंने टेस्ट किया, देख लेते हैं। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा भाई, लग रहा खा ले, थम्स अप। और देखो जो पहला जो डॉग के लिए हमने डाला था ना, वहाँ पे कौवे भी आ गए यार खाने के लिए। चलो ठीक है यार, जीव जंतु कोई भी हो, पशु पक्षी सबको मिलना चाहिए खाना। और अमरीकी बुली हमने अंदर एंट्री ले ली है। ये आ गया भाई शो, बट शो थोड़ा सा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि थोड़ा सा वीक लग रहा है शो। हाँ बेटा जरा भैया, हाँ जी अमरिंदर बोली, हाँ जी एक फोटो हाँ ले लो इधर, वही इनका खाने पीने का सारा सिस्टम लगाई हुआ है। एक तो यार धूप थोड़ी सी तेज है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थोड़ा क्या काफ़ी क्राउड कम है हुआ है। इधर बैठे हुए सारे जजेस वगैरह, ये छोटी प्लेट आई हुई है। इसी खासियत ये होती है, सबसे पहला तो ये एक गार्ड डॉग होता है, गार्ड डॉग है और हाई एनर्जी हाई विल ऐसा इसका रहता है, एजिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, काफी करने के लिए चीजें काफी कर लेते हैं, भी काफी होता है। वही करता है इसका मालिक जो है, जो इसका मालिक है इससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वो भी बैन हो जाएगा। इसको टैक्टिक्स क्या अपनाते हैं, इसको कवर मतलब इसको जैसे इसको अपने काबू में रखने के लिए क्या क्या ट्रैक्टिस अपना। इसका ये है कि इसको जितनी हो सके रनिंग कराऊं और इसके साथ मैं स्केटिंग करता हूं। अच्छा पिटबुल होता है तो काट रनिंग कराओ इसको, हैं जितना हो सके रनिंग कराओ, बच्चे में रनिंग कराओ, एक्सरसाइज कराओ और सोशलाइज कराओ दूसरे डॉग्स से, इसको बचपन से मिलने की आदत डालो। ये सभी डॉग्स के लिए जाता है वैसे, इसके लिए थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। दूसरे डॉग्स से बचपन से मिलाओ इसको, बचपन से मिलवाओ, इंसानों से मिलवाओ,
अकेले अकेले मत डालो है। अकेले डालोगे तो इंसान भी कटकना हो जाएगा, इनमें थोड़ा ज्यादा होता है अकेला, इनमें ज्यादा होता है इंसानों से। इनको पता होना चाहिए बचपन से, जब खाना भी खिलाना होता है तो आपको अलग के अंदर हाथ डालो ताकि पता चले कि हाथ में और खाने में फर्क क्या होता है। इनको मतलब सारे डॉग्स के अंदर जाती हैं चीजें ऐसे बचपन से, जब खाना डालते हैं इनको पता। अगर देखो इसको खाने के बीच में अगर आप आओगे तो ये डॉग प्रोटेक्टिव भी हो सकता है कि मेरे खाने को बीच में आ रही है, अच्छा मैं बाइट कर लूं। ये इसके बचपन से टेंडेंसी डेवलप होती है इस कुत्ते में, सब में हो जाती है वैसे। इनमें थोड़ा सा ये है कि अग्रेशन ज्यादा होता है इन डॉग्स के अंदर, तो बचपन से पहले बचपन से ट्राई करो कि खाना लेके इनके अलग तक डालो। बड़े होके तो हिम्मत रहेगी नहीं डालने की, अलग बात नहीं रहेगी या तो हिम्मत रहेगी हाथ रहेगा। बड़े होकर के बाप भी नहीं डालते ना बच्चों को, वही वाली कहानी है, वही एटिकेट्स और टैक्टिक्स सिखाने हैं। और इनको सिखाने ज्यादा आप कुछ सीखते हो बचपन से, अगर इनके साथ ज्यादा समय आप लगाते हो उसके लिए बड़ा वो होता था, प्रोडक्टिव होते थे खाने के लिए। अच्छा, इनके साथ एक बार हमने ग्रूमिंग की वीडियो बनाई थी ना जिसमें बताया था मिसहैंडलिंग कैसे करी थी, जिसने मिसहैंडलिंग करी थी वो बंदा भी यहाँ पे आया हुआ है। वो बंदा पता क्या बोल के जाता है कि एक ने पूछा कि ये पिटबुल है ना, बोलता है अरे ये तो नकली पिटबुल है। अरे भाई जो आपकी अगर चीजें हमने दिखा दी टीवी पे तो इसमें हमारी क्या गलती है, कोई घूम रहा बंदा जो बता रहा था नकली है, पता देख रहे हो यही बंदा था जिसने बिल्ली को वॉश करा था बहुत गंदे तरीके से। और मैं तो ये भी वीडियो डालूंगा ना भाई, कर लो क्या करोगे, अगले शो में मिलोगे भाई, मिलो हेलो कैसे हो देखते वीडियो सारी। हां जी। अच्छा कौन कौन सी देखी? मैंने सारी देखी हुई है। हां ओ भाई कॉमेडिया। हेलो बुली। हेलो आपका बंदा यार सही बात नहीं कर रहा। कौन? जो जिसने वही बंदा था ना आपका वासी वाला, उसको निकाल दिया भाई काम से। ये अभी जो गया है घूमता हुआ भाई, ये थे वो काम से निकाल देना अब तो। अब मेरे बंदा तो नहीं है मेरे साथ, अब भी बोलते जा रहा है अरे इतना नकली पिटबुल है ये वो। यार आप जो भी है जो अपने किसी की जुबान पे कुछ नहीं करा। ये है प्रसा कनेरियो, इटालियन बोल रही है। हम आ पीछे बोल भाई, धूप इतनी ज्यादा हो गई थी। अब हम जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट पे ही खाना खा लेंगे, शाम से थोड़ा देर बैठ भी जाएंगे। पौड़ी वोड़ी तो वही कम्प्लीट, और ये बजे जैसे बिछा हुआ है मस्त मजा आ रहा है क्योंकि ऊपर चल रहा है एसी। और अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सरप्राइज करता हूँ, छोटा सा टुकड़ा देता हूँ इसको, पूरी बार उसकी फेवरेट है, नाक के पास लेते हैं देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया भाई, ये तो जन्नत आ गई सरप्राइज मिल गया बोली सरप्राइज, यू गॉट अ पूड़ी। बहुत ही मुझे तो यार अजीब सा डिसहार्टनिंग लग रहा है कि बाहर वाले जो मतलब फॉरेनर्स भी जब आते होंगे ना उनके साथ कैसा ही बिहेव होता होगा और कितना ही काटते होंगे, रख के काटते हैं। अभी पार्किंग पता क्या करते हैं, रिक्शे वाले सबका नेक्सस चल रहा है और पार्किंग जबरदस्ती बोलेंगे पार्किंग फुल है जी आओ आओ मेरे पीछे आओ, मैं दिलाता हूँ मैं दिखाता हूँ रास्ता बताऊंगा। रिक्शा वाले साथ साथ चलेंगे, दोनों साइड से घेर लेंगे आपको और एक प्राइवेट पार्किंग में ले जाके छोड़ देंगे। और वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं भाई आप ही को पता है कि सरकारी और प्राइवेट में कैसे क्या काटते हैं ये चीज़ों को। पार्किंग वाले क्या मतलब, आपको डॉग ले जाना है ना, डॉग चल जाएगा बात खत्म पक्का। कहाँ चले जाएगा, वीडियो बना रहे हो कि खुल के बना लो? हाँ खुल के तो बना रहा हूँ, ढंग से बनाओ दो साल से हम आपके जैसे भी पहले भी डॉग वाले भी आए हैं, कोई मना नहीं कर रहा, वो तो अपना दो पैसे बनाने के चक्कर में कर रहा होगा, गाइड ले लो, गाइड की बात कह रहा होगा आपसे, बाकी आप अंदर डॉग्स अलाउड है ना? नहीं है डॉग्स अलाउड, गेट पे बोल के अंदर भेज दिया उसने, डॉग्स अलाउड है थोड़े से कहां पे?
ये तो पहली बार देख रहा हूँ यार कि डॉग्स जमा भी हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई बोल रहे जमा करा देना डॉग। भाई गाड़ी थोड़ी ना, पर्स पट पर्स पटवा जूते थोड़ी ना। और कौन जमा करेगा पहले ये बताओ, इसको हाथ ऊपर करो, हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन जमा करना चाहता है इसे। अब देखते हैं इनके रिएक्शन जो बोल रहे थे ना, जब तो इनको दिख नहीं रहा था गाड़ी में से, जब ये शीशे में था नहीं जाएगा। वो तो बोल रहा था पार्किंग वाला मेन जो गेट पे खड़ा हुआ है वहाँ पे क्यों चला जाएगा अंदर, टाइमिंग से चला है। हाँ किसी कीमत में नहीं आएगा। अच्छा चलो ट्राई करते हैं वहाँ जाके एक बार, कहाँ तक जाएगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा। हाँ किसी को या तो किसी को दे जाओ, वो तो फिर रख लो, तुम रख लो ना। भाई मैं नहीं जा सकता। क्यों क्यों क्या हो गया? ये ठेकेदार के पास रख जाओ। ये ठेकेदार? हाँ हाँ ये लग रहा है ठीक, इनसे पूछो। ला लो अंकल, कुत्ता रख लो अपने पास। कहाँ तक जाएगा ये? कहाँ तक अलाउड है फिर? गेट के बाहर। गेट के बाहर बारी। चलो बाहर तक तो जाते हैं क्योंकि उस भाई ने बोल के भेजा है, गेट पे जो खड़ा हुआ है ना भाई, पुलिस वाले के साथ बैठा जाए। अंदर नहीं ले जा सकते आप इसको, ये अंदर नहीं आएगा। नॉट अलाउड जाओगे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, खाएगा तो नहीं। किसको? किसको? मुझे। अगर टेस्टी लगे तो टेस्ट कैसा होगा? हाय हाय फिर तो बता दो ना कोई आगे तक, एक बार गेट तक हो जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक मना करेंगे। हाँ बेटा चल। क्या नाम उसका? बुली। बुली 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 कौन बुला रहा है? बुली कौन बुला रहा है? हेलो भाई कौन? भैया रियल बताना। हाँ ये आपकी जो चेन है इसमें, ये गोल्ड की है? ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेट है तो गोल्ड का नहीं, गोल्ड कैरेट गोल्ड प्लेट है इसका। 24 कैरेट गोल्ड ये ले लो। तो कौन सा भैया, तो कौन सा ब्रांड का है ये? पिटबुल ब्रांड है जी। पिटबुल 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 जो पंडित जी को पपेट दिया था। बैठ जाओ रिक्शा में, बैठ जाओ रिक्शा में। इधर कहाँ जा रहे आप? हम तो बाद में। नो इनसाइड। नो इनसाइड वो कह रहे हैं, गो इनसाइड। नो वो इस बंदे ने बोला बेकार है, वो नहीं जाएगा। आपको वापस आना पड़ेगा। अब बात करते हैं। हाँ नहीं करना भाई, ये तो मना कर रहे हैं यार। ये अंदर जाता भैया ताजमहल के अंदर? नहीं जाता है। एक भाई ने बोला जब हम बोल रहे हैं सर आपको नहीं आता होगा, वो नहीं आ रहा सामने ले गया। अंदर में अलाउड नहीं, वो कहे चला गया। आपको देख लो, मैंने बता दिया, बस आपका समय खराब जाएगा, लौट के आना पड़ेगा। वो कहे चला गया क्योंकि सब गाड़ी में ही छोड़ के जाते हैं इसको, शीशा खुल जाना थोड़ा हल्का था तो वो कहे चलेगा। तुमने शीशा कहाँ रखा होगा? वो कहीं वो देख चुके होगा, लेके तो आ रहे हैं ना, जाता है। लटसक आउट यार की क्या बनती है बातचीत। अवली कौन बैठेंगे पहली बार चंपी, अरे इसमें अंदर बैठ चंपी, चलता ये चल आ जाम्पी बस ये रुक जा। पहली बार स्कूटी में भी आदत नहीं पड़ी ना इसकी, कभी बैठा ही नहीं आगे, गाड़ी में बैठा है स्टार्टिंग से। पहली राइड हो रही है, क्या बात है। ताजमहल दिख जाए दूर से, दूर से दिख जाएगा ताजमहल हमें, दिल्ली जाए जमुना के पीछे देख लेना भाई। रिक्शा कहाँ जाएगा? वो तो दूर होगा। नहीं जा सकेंगे।
कितने 100 रुपए। सो ओपन एंडेड स्कैम चलते हैं भाई यहाँ पे। अगर टूरिस्ट अगर बन के आप आ गए ना तो कटना आपका तय है। देख के भाई देखे और आगे बैठे हैं पुलिस वाले, यहीं पे मुझे लगता है रोका जाएगा या जो भी चीजें होंगी। चलो यहाँ पे तो अभी हमें नहीं रोका गया, यहाँ से तुम सीधा अंदर आ चुके हैं, बाकी फिर पता चलेगा कहाँ तक जा सकते हैं। ए मैंने आपका व्लॉग देखा, देखा हुआ है बोली। हाँ बोली। आखिर में भाई सब्सक्राइबर हेल्प आते हैं, किसी ने हेल्प नहीं करी अभी तक, बताया नहीं ढंग से भाई। आगे से आने शुरू हो गए हैं देसी कुत्ते, तो यहाँ तक तो चलो ये गारंटी हो गई कि कुत्ते अलाउड ही। नाम क्या आपका? मनीष। मनीष का भाई बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि जो भाई हमें गाइड कर रहे हैं अभी जाते जाते। ये तो हम तो होपलेस ही हो गए थे कि शायद ही ताजमहल देख पाए। वो छोटी दिख गई ताजमहल की, यहाँ से हमें तो पूरा दिखेगा। हाँ पूरा पूरा दिखेगा। चलो जी आज ये टेस्ट करेंगे कितना दिखेगा। और आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो अपने पेट्स के साथ आना चाहते हैं ना भाई, तो या तो वो ऑप्शन देते हैं कि यहाँ किसी रेस्टोरेंट वाला अगर छोटा है कोई डॉग है और उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। और अगर भाई ऐसा है आपका हिसाब किताब कोई, साथ ही लेके जाना है जी, देखना है अंदर नहीं घुसोगे तो बाहर से देखने का ऑप्शन, ये आप वीडियो में देख ही रहे हो, तो शेयर कर देना उनके साथ जो भी चाहते हैं अपने पेट के साथ ताजमहल पे आना। वहाँ के लिए टिकट भी नहीं लेनी होगी फिर तो, टिकट काउंटर उसके लिए भी लेनी होगी हमें टिकट। किसके लिए? अगर हमें पीछे जाना रिवर साइड पे तो फ्री है, फ्री है ना वो तो। दो ही जगह से दिखना है। अच्छा, एक तो पीछे वाले गेट पे और ये नेचर वॉक के पीछे। अच्छा, इसके दो तीन टीम है उस पे ऊपर जाने के लिए। कहाँ से दिखता है क्या रहा है? अच्छा, एक्शन करना क्या है जब डॉग्स घेर लेना आपको, चौड़ा के बस खड़े रहना और कोई एक्शन नहीं लेना, इनके इनकी एक्शन देखो वो अपने आप चल जाएगा पीछे। चलो आओ जाओ, इनका काम है, इनकी टेरिटरी है यार, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे आ गए हैं जी। अब ये ईस्ट वाला गेट है। अच्छा, ये ईस्ट वाला गेट है, यहाँ से तो एंट्री मिलेगी नहीं, पीछे जाते हैं वहां से लेते हैं शॉट ताजमहल के। बढ़िया बढ़िया, और लेते हैं पब्लिक का रिएक्शन। तो भाई ताजमहल जाने से पहले ना भाई अपने अखाड़े में ले आए हैं हमें, और अखाड़े में देखते हैं कैसे। यहाँ पे रॉट व्हीलर तो नहीं है अभी खुला, मर गया। अच्छा अच्छा, वहाँ पे चल रही है भाई प्रैक्टिस ट्रेनिंग, भाई की फिजिक अच्छी है यार, बढ़िया फिजिक है। और ऊपर का ये लो भाई व्यू, ये चोटी किस चीज की है? ये है ऐसी यार, कुछ नहीं, यहाँ पे जगह थी तो बना दिया। चलो भाई नीचे होता है। हाँ हाँ उतर जाओ। सायरन बजा दिया पर ये सिग्नल ठीक है कि ड्रा हुआ सिग्नल है, पुलिस अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ से व्यू तो बड़ा दिखा रहा है। और इधर देखो भाई गाय के ऊपर लड़ा है कौवा। ये देखो भाई क्या मस्ती आ रही है भाई। क्या ही सीन बन गया, बिल्ली मजा ही आ गया। All right, so now meet my friend. Your name is? My name is Leo. Leo. Leo, hi. Hi. My name is Aman. Ah, nice. So he's from Russia and yeah. He's having the same dog in Russia, right? Yeah, the small one. The small one. Yeah. Okay. So may I know, like, what are the rules and regulations that you have in Russia to opt such dogs? Do you have any restrictions on them?
Oh, no, we have any directions about only this breed. Okay. Yeah, all the same rules about all the dogs. Yeah. All right. Yeah. Only you just need to get it registered with the authorities and that's all. No, you no, do not need we, to. We just make a tattoo on her back. Yeah. That's something interesting. Inko kya karana padta hai yaar? Ek tattoo lagana padta hai. Where you need to put the tattoo? On yeah. On this side, मतलब इनके stomach पे इनको tattoo बनाना पड़ता है for identification of the owner, right? Yeah. It is for kind of. Yeah. Okay. And do you guys have stray dogs or street dogs in Russia? I've been to Russia personally. Oh. I've been to Russia in 2018. Oh. Yeah. I've been to Moscow and Saint Petersburg. Oh yeah. A bit. By way. Yeah. Better to visit in summer. In summer. Yes, now exactly. It's very very cold. Yeah. I was there in May or June, so it was very good, pleasant weather. Time. Yeah. Yes. So nice talking to you. Nice to meet you. Yeah. Welcome to India. Good luck. Thanks. आज तो हम शो में आए थे और अब यहाँ से हो गया है भाई हमारा निकलने का टाइम क्योंकि हमारे सूरज देवता भी पीछे छुप गए और क्या ही सीन आ रहा है क्या ही लुक आ रहा है भाई। ठीक है जी आपने रास्ता तो देख ही लिया है कि कहाँ से आना है अगर आपको अपने डॉग के साथ आना है। बढ़िया चिल कन्वर्सेशन रहेगी। हालांकि आप वहां तो नहीं जा पाओगे जहाँ पे ये लोग खड़े हुए ना देख रहे हैं। टच करने वाली जो बात है वो तो आप नहीं कर पाओगे लेकिन स्टिल ठीक है यार अच्छी बात है। एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा अपने डॉग के साथ अगर आप आ रहे हो। इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन रही हमारी। तो यार आओ चलो लेट्स गो मूव है ना चलते हैं। आओ बाय 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 कम ऑन चलो भागो 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 पोजीशन ले ली पूरी आ जाओ पूरी चलो कम ऑन पुलिस की गाड़ी भरना ऐसा बहुत फास्ट हो भाई टू व्हीलर बैठा रखो अंदर। चलो गाइस ये ले लिया हमने वापस वाला उड़न खटोला और अब हम जा रहे हैं भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ। मजा आ गया यार सब्सक्राइबर हो जाते तो कितनी ज्यादा हेल्प हो जाती है। बंदे ने हमें पहचान लिया और उसके बाद भाई मजा ही आ गया जो शायद हम देख नहीं पाते खुद से अगर करते तो हमें कहीं ना कहीं घुमाते रहते लोग। भाई हमारे अनमोल सर बाय बाय करते हुए और यहीं पे दोस्तों ये ब्लॉग होता है एंड। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा जैसे हमें मजा आया। आपको भी देखो थोड़े से देर में कितना अपनापन महसूस करने लग जाता है और अपना बन जाता है यार है ना। तो ऐसे ही होते हैं कुछ जानवर यही हम चाहते हैं ये एम्पैथी और सिंपैथी और ऐसी फीलिंग्स इंसानों के अंदर भी डेवलप हो पाए यही मोटिव है अमन एंड बुली के चैनल का। चलो फिर मिलेंगे दोबारा किसी ब्लॉग में। बाय बाय बुली।